हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की लॉन्ग रेंज एंटीसिप मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस एंटीसिप मिसाइल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इसकी रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक की है। और अगर हमें इंडियन ओशन रीजन में और ईस्टर्न साइड में डिप्लॉयड शिप से वेस्टर्न साइड में मौजूद एनिमी शिप या फिर वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में मौजूद एनिमी शिप को टारगेट करना है, तो हमें एक लॉन्गर रेंज एंटीसिप मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और DRDO इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर चुकी है, इवन इसके बहुत सारे वर्क कंप्लीट भी किए जा चुके हैं, और अगले 1 से 2 सालों में हमें इसकी टेस्टिंग होते हुए दिख सकती है। ये मिसाइल इंडियन नेवल कैपेबिलिटीज़ को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाली है, क्योंकि सोच के देखिए कि इस वक्त हमारे फ्रिगेट या फिर डिस्ट्रॉयर, जो कि एंटीसिप और एंटी सर्फेस रोल के लिए ब्रह्मोस को कैरी करती है, जिसकी रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर की है, और हमारी सबमरीन 1500 किलोमीटर वाली K-15 सागरिका मिसाइल, जो कि एंटी सर्फेस रोल में है, वो कैरी करती है। लेकिन क्या होगा जब इंडियन नेवी की शिप है 2000 किलोमीटर वाली एक एंटीसिप या फिर एंटी सर्फेस मिसाइल को कैरी करेगी, तो इंडियन नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पूर्ण रूप से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। DRDO द्वारा जो ये लॉन्ग रेंज एंटीसिप मिसाइल बनाई जा रही है, तो ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, यानी कि ये मिसाइल कहीं ना कहीं अग्नि प्राइम मिसाइल का नेवल वेरियंट हो सकता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि ये मिसाइल हवा में काफ़ी ज़्यादा मनूवर परफॉर्म कर पाएगी, जिससे ये एनिमी शिप पर मौजूद एयर डिफेंस को बीट करते हुए शिप को हिट कर पाएगी। दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी, तो इसका स्पीड भी कहीं ना कहीं बूस्ट फेज में ही हाइपरसोनिक होगी। साथ ही ये मिसाइल अपने साथ 1000 kg तक के वॉरहेड को कैरी कर सकेगा, यानी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को भी किल करने की कैपेसिटी रखेगा। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर को किल करना इतना इजी नहीं है, लेकिन एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने टारगेट के हिसाब से अपना मनूवर परफॉर्म करता है, तो इसके लिए मुश्किल भी नहीं है। और जब एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करने के लिए ये मिसाइल मारा जाएगा, तो कई सारे मिसाइल एक साथ मारे जाएंगे, जिसे रोकना प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। चाइना द्वारा ऑलरेडी DF-17 नाम से ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जा चुके हैं, जिसकी रेंज 1200 से 1800 किलोमीटर की है, और ये मैक 5 की स्पीड से अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यूज़ करते हुए हमला करती है। लेकिन ये एक लैंड वर्जन है, वहीं शिप वर्जन में चाइना के पास वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D है, जिसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर की है, और ये सिस्टम मर्व केपेबल भी है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास अग्नि प्राइम है। लेकिन अग्नि प्राइम चाइनीज़ DF-21D से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मिसाइल है, क्योंकि सेम कैटेगरी की मिसाइल होने के बाद भी अग्नि प्राइम की रेंज 2200 किलोमीटर तक की है। साथ में ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी है और मर्व केपेबल तो है ही। इसके अलावा अग्नि प्राइम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है CEP, यानी कि सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मिसाइल फायर की जाती है, तो मिसाइल अपने टारगेट के कितने नज़दीक जाकर प्रिसाइज तरीके से गिर सकता है, उस सर्कल को ही सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसमें अग्नि प्राइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अग्नि प्राइम का जो CEP है, वो सिर्फ 10 मीटर का है, मतलब ये अपने टारगेट के 10 मीटर के सर्कल के अंदर ही गिरेगा, जबकि DF-21 मिसाइल का CEP 50-700 मीटर का है, और ये CEP बहुत बड़ा नंबर है। लैंड अटैक पर तो फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सी में जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रही होती है, तो अगर ये इतने बड़े CEP में गिरेगा, तब तक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से मूव कर चुकी होगी, इससे जो हिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो बेहद ही कम हो जाएगी। तो जो DRDO का लॉन्ग रेंज एंटीसिप मिसाइल है, क्योंकि ये बहुत ही हद तक अग्नि प्राइम जैसा ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर इसके निशाने पर होंगे, और इस सिस्टम के कारण इंडियन नेवी को अपने एनिमी के ऊपर हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। और अगर एनिमी शिप द्वारा किसी भी तरीके से इंडिया के ऊपर अटैकिंग पोजीशन ली जाती है, तो लॉन्ग रेंज से ही इंडियन नेवी के शिप इस मिसाइल के साथ एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो पाएगी। इसके अलावा इस मिसाइल को हमारे कोस्टल एरिया और अंडमान एंड निकोबार के ऊपर ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर में डालकर डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे ब्रह्मोस के साथ साथ लेयर बाय लेयर कोस्टल एरियाज़ को 1500-2000 किलोमीटर तक सिक्योर किया जा सकता है। इस वक्त कोस्टल एरियाज़ में 600 किलोमीटर वाली
स्मार्ट टॉर्पीडो सबमरीन को हिट करने के लिए, 290 और 450 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस सिप को हिट करने के लिए डिप्लॉयड हैं, लेकिन जब 1500 टू 2000 किलोमीटर वाली लॉन्ग रेंज एंटी सिप मिसाइल डिप्लॉयड होगी तो जरा सोचिए कि चाइना की सिप इंडियन ओशन रीजन में एंटर करते ही हमारे निशाने पर होगी, जहां चाइना का एक मिस एडवेंचर और चाइना की एक पूरी फ्लीट को बर्बाद किया जा सकता है। हालांकि इसमें और भी फैक्टर मौजूद होंगे, लेकिन मिसाइल भी तो बहुत सारे फायर किए जाएंगे। तो होप कि DRDO जल्द से जल्द इस सिस्टम का डेवलपमेंट पूरा करे और इसे हमारे सिप के ऊपर डिप्लॉय किया जाए। तो इस सब के ऊपर आप सबके क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।